ये वाली वो जगह है जहाँ मेरा 2014 में मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ चल रहे हो आप? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर हो रहा है यार, तो हमेशा डर ही लगता है। Welcome back to the channel Crazy Jawed Vlogs. I hope you are all good. कैसे हैं आप? Today is 2nd Jan 2022. रुक जा। और अभी मैं निकला हूँ यहाँ से अपना बठंडी से। मुझे कुछ एक दो काम करने निपटाने, अपने वो निपटाने के लिए जा रहा हूँ मैं। और सभी यासर भाई भी पीछे बैठे हुए हैं। एंड लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स आए कि अगर आपने इसका फुल माइलेज अगर आपने चेक करना है अच्छे से अपना RS 200 का विदाउट पिलियर आप करना। सो मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरा इसमें पेट्रोल बिल्कुल फुल टैंकी मेरी है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना माइलेज का टेस्ट करूँगा अपना, लेकिन फिलहाल पहले इसका पेट्रोल पूरा ख़त्म हो जाए। अभी हम न्यू राइड्स का प्लान जो कर रहे हैं हम, अब आमिर माजिद के साथ देखते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। सो कुछ शॉर्टकट्स ले लेते हैं। ये वाली वो जगह है जहाँ मेरा 2014 में मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अभी हम बर्मा कॉलोनी से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज बर्मा कॉलोनी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर हो रहा है यार, तो हमेशा डर ही लगता है। और क्या रहा है भाई ये? नाउ दिस इज कासिम नगर राइट नाउ, जहाँ पे हम चल रहे हैं। और अभी इसमें मिरर लोड करवाए, दैट्स व्हाई इतना आसा चल रहा है। यहाँ पे हमेशा ना इस रोड में गंद बड़ा हो गया है, यहाँ के लोगों ने नालियाँ बनाई, टट्टी बाहर जा रही है यार यहाँ लोगों की। तो कम से कम यार अपना जो माल निकलता है आपका, जो कोफ्ते वगैरह बाहर आपके रोड पे बह रहे हैं, कम से कम उसको तो ठीक कर लो। डेवलपमेंट कहाँ से होगी, लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए ना। जो डेवलपमेंट होगी, 5 4 3 2 1 लेट्स गो। आतंक भाई साहब भयंकर, अपना RS 200 का राइड, क्रेडिट राइड है ये। और बहुत ही मज़ा ही आता है इस पर। सबसे मेन चीज़ है इसका जो पिकअप है ना, एकदम मस्त है। और उसका ब्रेकिंग लेवल एकदम ए क्लास है। और BS 6 में, और सबसे मेन चीज़ इसका रहता है RS 200 का, वो है इसका ABS एकदम जक्कास में है। जहाँ ब्रेक दो एकदम ना ब्रेक पकड़ लेता है, कोई गाड़ी का स्किट वगैरह नहीं करता है। बड़ा अभी हम पहुँचते जा रहे हैं ऊपर बोफर्ट, ये अपना रहा गुंडोला उस साइड में। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम थोड़ा कज़न के पास, थोड़ा काम है। यहाँ पे मिलने के बाद फिर मिलते हैं आपको। ओ फाइनली फिर से हम पहुँच चुके हैं अपने हाईवे के ऊपर। और अभी हम निकलेंगे यहाँ से आगे सीधा अपने घर की तरफ। और जो इस काम से अपना बोफर्ट आया था मैं, वो वाला काम हो चुका है। और अभी अपनी बीच को लेके हम निकलेंगे आगे और आने का। और सबसे मेन मज़ा है इसका RS 200 का सबसे सस्पेंशन, मज़ेदार एकदम आतंक। और हाथ खोल के कभी चलाना नहीं चाहिए, वैसे रिस्क होता है। एंड नरवाल पे, एंड यहाँ से हम सीधा मल मौकी जाएंगे, वहीं से हम थोड़ा यू टर्न ले लेंगे एंड और अपना गुरुद्वारे की गली से सीधा ऊपर घर की तरफ उड़ेंगे। एकदम आतंक मज़ा आता है। सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस, वो जो हम बार बार मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ आपको गाड़ी पे हाथ बैठा होना चाहिए, तो आप कहीं से भी गाड़ी मोड़ सकते हो आप। और अगर इसके बीच में गाड़ी लेनी हो वहाँ से आप ले सकते हो। और आगे सिग्नल बिल्कुल खुला हुआ है और हमने इसका स्ट्रेट निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है यार। तो राइट ना अभी हम पहुँचे यहाँ पे ट्रैफिक जाम। कहाँ चल रहे हो आप? ट्रैफिक स्टेशन में इतना कॉमन सेंस को नहीं है कि गाड़ी वाला उस टाइम सिग्नल है तो थोड़ा अपना गाड़ी चलेगी, सब वो भी निकल जा रहा है आगे। हट क्या हो रहा है? के अपना 3022 में अपना डेली व्लॉगिंग कम से कम अपना स्टार्ट करूं और मेहनत करूं। और जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, बाय गॉड, और मज़ा ही अलग लेवल का आता है। And...
हेलो, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना हर एक वीडियो को, और अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में और बॉक्स में पिन आउट करके होता है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो आप। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए जो आप बरसा रहे हो ना, बाय गॉड आप सबके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।